यार ये वाला मैच मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस हिसाब से लॉबी पे थे, लॉबी पे पूरे के पूरे नूबड़े बंदे थे, तो इसलिए मुझे डाउट हो रहा है कि ये मैच वाकई में रैंक मैच है या फिर क्लासिक मैच। मैंने हीरोइक जैनिक बहुत ट्राई किया भाई साहब, हीरोइक में एक पॉइंट बच जाता है वैसे ही कि डाउन चला जाता है। देन आज अपन आज कोशिश करते हैं कि अगर हो पाए, सबसे पहले तो ये चीज़ फाइंड आउट होगी ये मैच क्लासिक वाला है फिर रैंक मैच, क्योंकि इसमें सारे के सारे नूबड़े भरे पड़े हैं यार, इसलिए देख लेते हैं ये। सबसे पहले अपने पास कौन सा बंदा? ओ भाई भाई वोंगकोंग चाचा। अबे भाई ये डैमेज पड़ा एक, अरे वोंगकोंग बन गया यार हद है। रुको रुको रुको, चुप कहाँ रहे हो यार, ड्रम तोड़ देते हैं। अबे भाई सारा ड्रम उसके लिए तोड़ा, निकल जाए निकल जाए, थोड़ा डैमेज। चल चल क्रोन निकले भाई, एमओ भी नहीं है, निकल यार। कभी कभी ना ओवर कॉन्फिडेंस भाई अपने को ले जाएगा, इसलिए ना यहाँ से निकल जाए वही बेटर है। और नूबड़े बंद, चलो यहाँ पे एक मेडिकेट मिल गई और थोड़ा सा एमओ, जो काफ़ी सही बात है अपने लिए। और वैसे क्लासिक है रैंक, मुझे अभी भी कन्फ्यूज़न है, बिकॉज मैंने जहाँ तक कोशिश किया था रैंक लगाने की तो यहाँ पे लग चुका है क्लासिक आई थिंक मेरे हिसाब से, बट कोई नहीं देख लेते हैं यार। ऐसे कंडीशन अभी आज तक तो कभी मेरे लाइफ में आई नहीं है वैसे भाई। चलो एक ग्लोबल मिल गई और यहाँ पे एक के मिल चुका है जो काफ़ी, ड्रैगन एक का मैंने निकालने की कोशिश की, 10 पेटी निकाला भाई, लेकिन ड्रैगन एक के नहीं निकला मेरे को, बस उल्टा के 24 दिन के लिए मिल गया। ये बहुत गलत सीन होता है यार हमारे साथ। फ्री फायर वालों क्या कर रहे हो भाई, मैंने इससे पहले भी जब डायमंड टॉपअप किया था तब भी ऐसे ही हाल था, उसमें भी इतने ही दिन का निकला था, बट इसमें भी ये बंदा करने की क्या कोशिश कर रहा है भाई, क्या है ये? और भाई पीछे से और बंदा, अबे कहाँ है, देख भी तो नहीं रहा। अरे रे रे ये अरे चलो निकलो, ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है भाई साहब, भाई क्या है, क्या तकलीफ है भाई सज्जन को। यहाँ पे दूसरी स्क्वाड वहाँ पे फाइट करते हुए इसी टाइम पे अपने को लूट थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं, बिकॉज लूट और अपने पास वेस्ट और हेलमेट भी नहीं है। तो यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से एक ही स्क्वाड तो आया, एक ही बंदा तो आया था जान। अरे भाई चलो ले ले, अबे मर मर का नहीं रहा, चलो भैया निकल लिया ये भी। और वो बंदा जहाँ तक मेरे हिसाब से जिंदा है, मर गया है, थोड़ा सही सही बंदा तो नहीं, मतलब जिस हिसाब से लॉबी में देखा गया था पूरे पूरे नूबड़े, बट उस हिसाब से यहाँ पे एक ही बंदा जो सबसे पहले लैंड किया था वो थोड़ा सा नूबड़ा नहीं लग रहा था, बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। और भैया ही जा रहा, ओए चचा रुको 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 रुको, आप कह रहे हो यार, चलो फुर्सत लाओ भाई साहब। लव को तो हमने बेवफाई में बदल दिया, लव ने पड़ गया तो बेवफा ही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वही चीज़ होगी और कुछ नहीं हो सकती। अभी भी कन्फ्यूजन में भाई, चल जो भी होगा लास्ट टाइम ही पता चलेगा जब मैच एंड हो जाएगा तब। और 42 बंदे अलाइव और नूबड़े कर हैं, तब तो भाई दौड़ने में और मारने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। और भाई पिंग क्या इशू चल रहा है यार, ले ग्रेनेड लिया बट यहाँ पे भाई पिंग क्या चल रहा है, 200 300 400, कोई बात नहीं, बस सामने बंदे ना रहे। अगर सामने बंदे रहे और पिंग अगर हाई चला गया तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, बिकॉज भाई मेरा वैसे ही ना पिंग का लोच बहुत ज़्यादा है, और पिंग की वजह से और इंटरनेट की ख़राब कंडीशन की वजह से पर डे वीडियो नहीं ला पाता। और बंदे कहते भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही, भाई वीडियो नहीं आ रही इसी वजह से, तो जिस दिन मैं चला जाऊंगा अपने जहां पढ़ाई करता हूं वहां पे, उसके बाद आपको पर डे वीडियो मिल जाएगी। और पर डे लाइव स्ट्रीम भी करने की कोशिश करेंगे, वो भी टूर्नामेंट के, वहाँ पे जाके फैन क्लब का टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा खेलेंगे। और सेमीफाइनल पे हम लोग भाई गाइस पहुँच चुके हैं, हम लोग स्क्वाड मंथली फ्री फायर टूर्नामेंट पे हम लोग स्क्वाड काफ़ी मशक्क़त करती हुई पहुँच गई, बट अब देखते हैं सेमीफाइनल हम लोगों का होने वाला है आज के दिन, मतलब 12 तारीख को होने वाला है 1 बजे, तो भाई रेडी रहना। उसका मैं गेम प्ले भी चाहिए अगर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। और यहाँ पे एक बंदा भागता हुआ, भाई रुक जाओ चाचा, अबे यहाँ पे फाइट, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, भाई 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 भाई, भाई। चलिए एक हेडशॉट नहीं लग रहा, बंदे भाग रहा है, थोड़ा सा लैगी लग रहा है फील हो रहा है, बिकॉज चलो हेडशॉट के साथ ये भी मारने में ऐसे ही मज़ा आ जाता भाई, क्या हैकर की तरह मार रहे हैं भाई। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो, अचानक से पिंग मेरा हाई चला जा रहा है और थोड़ा सा लैगी भी फील हो रहा, और यहाँ पे डेंजर जोन लगता हुआ और हमारे फिलहाल हो चुके हैं 5 किल। अब लास्ट टाइम तक कितना किल होता है ये चीज़ नहीं पता यार, नहीं तो रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं आज तक, हाईएस्ट किल का रिकॉर्ड कितना है, 32। अंकुश फ्री अल्फा फ्री फायर ने किया था 32 आई थिंक मेरे हिसाब से, तो रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो। चलो अपने मिल जाते हैं गाड़ी वाड़ी लेके,
मैंने एक गाड़ी की स्किन निकाली जहाँ पे नहीं, एक नई गाड़ी नहीं आई अभी, वो उसकी स्किन निकाली हुई है, बट वो गाड़ी भी ओ भाई 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 रुक जा रुक जा रुक जा, अबे भाई भाई रुक जा उतर जा भाई, इतना कोशिश करने के बाद भी भाई मैं तो आगे उतर रहा था, तू कहाँ, ये भाई 158 और इतना डैमेज, अबे भाई क्या चल रहा नोशा, मर गई थी बंदी यार, गजब है यार भाई साहब, क्या ग्लीच है ये, ओए मर तो जा, ओए चलो, इतनी मशक्कत करने के बाद मरी भाई, नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि नहीं निपटेगी, खैर कोई नहीं, पीछे एक बंदी और, बंदा है बंदी आई डोंट नो कौन भी है यार ये, अबे मत मारो आपस में लड़के तो मत मारो यार, थोड़ा बहुत हमें किल दे दिया करो, अच्छा लगेगा ना, हम भी चलो ये बंदी से अरे थोड़ा सा रुक जा, नहीं, चलो हेड शॉट, एसिया आई थिंक एसिया नाम ही था, हाँ जहाँ तक एसिया ही था। आजकल यार मैचेस की ये मौसम बहुत ख़राब होने के चक्कर में टूर्नामेंट भी नहीं खेल पा रहे, टूर्नामेंट खेलने के लिए भाई साहब आपको अच्छे इंटरनेट चाहिए, आप नॉर्मली रैंक गेम तो नहीं खेल रहे कि आप बिल्कुल थोड़ा बहुत काम चलने वाला इंटरनेट मिल जाएगा, और यहाँ पे आसपास फिर से बंदा थोड़ा सा, ओ भाई फायरिंग गजब के आदमी हो यार, डर भी नहीं है थोड़ा बहुत यार, गजब हो यार भाई, डर वर डर नाम की थोड़ी बहुत चीज़ रखा करो, अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं चलेगा चाचा, डर वर थोड़ा बहुत रहना चाहिए हैं, ऐसे अगर काम चलेगा तब तो फिर भाई हो गई हद। चलो भाई फिर चलो अच्छी बात है कि अपनी 8 किलो चुके हैं, अभी भी अलाइव है 34 बंदे, बट अब 34 में से बंदे कितने मिलेंगे आई डोंट नो, और जहाँ तक अपने को लैम्बोर्गिनी कर मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, जिसमें अपन नई वाली स्किन निकाल, और सामने बंदा बंदा है बंदी का आई डोंट नो यार, ये उधर आसमें स्कॉट इसको निपटाते हैं, उसके बाद सामने वाली स्कॉट एक बंदा, ये तो निपट गई बंदी, एक बंदा बंदा है बंदी क्या यार ये, और जो बंदा है चलो ये निपट चुका, और एक बंदा एक आसपास फाइट कर, एक बंदा इस साइड था और ये भाग रहा है जा, भाई क्या आ पिंग चल रहा है, पिंग ये साइड क्या ग्लिच चल रहा है आई डोंट नो यार, मेरे को भाग कहाँ रहा भाई यार, इतना मारे जा रहे साथ में और भी बंदे, जब निकलो जल्दी से अपन बंदे को और ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे पूरे नूबड़े हैं तो मारने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप अच्छा प्ले कर रहे हो लास्ट मोमेंट पे आपको एक बंदा मार के चला गया और बुया ना ले पाए, ऐसे ही हाल होता है कभी कभी मेरा, अक्सर बहुत सारे मैचेस में हो जाता है, तो 171 का हेड शॉट यूना को, एंड ऊपर भी फाइट हो रही है जो काफ़ी अच्छी बात है, एंड ऊपर जो फाइट हो रही है उसका थोड़ा बहुत, चलो नोइट है जो भी नाम है बने दिया, चलो एजेंट गैस भाई साहब देखते ही देखते 14 किल, जो काफ़ी अच्छी, वैसे नूबड़ों को मारने में कोई असली दिक्कत नहीं हो रही भाई, सही बता रहा हूँ यार। एक बंदा ये भाग रहा, अरे इसको टाइम पे लगी, क्या बात है, अबे तो सेंसिटिविटी भी हाई करने का कोई मतलब नहीं रहता था, अभी वैसे ही बता रहा हूँ। भाग कहाँ रहे हो भैया, भैया भाभी आई डोंट नो यार, पता नहीं क्या भैया है कि भाभी है, जो भी हो लेकिन लेंगे तो अपन ही, भाभी का होगा तब तो अच्छे से लेंगे, और कौन भी, ओ भाभी भाभी जी रुक जाइए भाभी काहे बनाएंगे भाई, सैड हम भी तो सिंगल हैं, कमाल करते हो यार। अभी भी भाई साहब 15 बंदे नहीं 15 किल तो हो चुके हैं, 23 बंदे अलाइव और डेंजर जोन, ऊपर एक बंदा ये भाग रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलो चलो रुक जाओ, हेड शॉट मैक्सी आज, अबे मर ही जा रहा है भाई, ऐसे में देख रहे थे यार, मेरे हिसाब से लग रहा है क्लासिक मैच है यार, ये लग रहा है मेरे हिसाब से भाई, इतने नूबड़े यार रैंक मैच में ऐसे नूबड़े पॉसिबल ही नहीं है, एलिमिनेट, एक बंदा ये भाग रहा, रुको 150 का हेड शॉट ब्रूनो, एंड अपन हम देख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कहाँ बंदे, एक बंदा ये भाग रहा, चलो ये राहर क्या नाम था जो भी नाम था यार जिसका, लेकिन अपने किले हो चुके हैं 18 और 18 बंदे अभी भी अलाइव, 17 बंदे तो मतलब 18 18 तो नहीं 34 34 बंदे मार सकते हैं अभी, अबे 34 नहीं 33 बंदे मार सकते हैं, तो इसमें हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड वैसे ही बन जाएगा फिर तो, सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोशिश यही है कि अब बंदे को, अरे भाई सामने लैम्बोर्गिनी भी, बट यहाँ पे बंदे रहो, बस ये दिक्कत है, अगर हमारे
लंबरगुनी मिल गई है, लंबरगुनी के साथ अपन। और यहाँ पे बंदा कहाँ है, अरे ये भाग रहा है, जा एक गोली पड़ी, 5 का डैमेज गया, वो हील हो जाएगा। ये बंदा भी थोड़ा सही लग रहा है, सही तो नहीं है बट पेड़ जाएगा ये। अरे भाई भाई कहाँ, अच्छा ये निकला, चलो चलो फुर्सत में मैक के साथ। वैसे क्या बोलूँ, मैच बहुत ही अच्छी जा रही है। चलो अपन सबसे नई वाली गाड़ी का थोड़ा बहुत लुत्फ उठाते हैं। एंड अभी वो क्या गाड़ी लग रही है सच्ची, मतलब ओ भाई हमारी गाड़ी कौन डैमेज है ना, तेरी तो साली हराम कौन है। अच्छा हमारी गाड़ी एम्सल भाई रियल में ख़रीद तो नहीं सकते फिलहाल अभी के डेट पे, बट वही चला लेते हैं। थोड़ी सी लैम्बोर्गिनी से मेरे हिसाब से इसकी स्पीड जो है स्लो लग रही है, बिकॉज लैम्बोर्गिनी नॉर्मली इतनी स्पीड में आराम से चढ़ जाती है, ये थोड़ी सी पता नहीं इसमें थोड़ा सा एट्रीब्यूट दे रखा है कि इसमें डैमेज नहीं जाएगा थोड़ा सा। और अभी हमारी गाड़ी कौन तोड़ा, साली इतनी महंगी गाड़ी लेने के बाद तुम लोग तोड़ोगे, शर्म करो यार, शर्म करो, हमारी गाड़ी तोड़नी नहीं जानी चाहिए। अगर हमारी गाड़ी तो सारी गाड़ी तोड़ रहे तो भाग भी रहे, गजब आदमी उसे चिपका रहे, ऐसे आदमी को ना भाग, चलो भाग भी रहे बहुत अच्छी बात है, तो मर जा। चलो जेडे वास अब अपनी गाड़ी लेके चलने वाले, चलो लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी का सेफ ही चेंज हो जाता है जैसे मैंने बैठे। ये वाली गाड़ी एक्सपीरियंस थोड़ा सा सही है, लेकिन जो कॉलेब किया हुआ है एम्सिलन तो भाई कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना इसके एट्रीब्यूट में भी, जो काफ़ी सही है। और चलो यहाँ पे जोन पे पता चल जाएगा कि कितने बंदे हैं फिलहाल। अब एक हमारी गाड़ी भी इतने लैम्बोर्गिनी चढ़ जाती है इसलिए थोड़ी सी उड़ रही है थोड़ी सी, एक चलो सामने दो बंदे उसको निपटाते हैं, देन उसके बाद पीछे वाले को निपटाते हैं, तो अपने सारे के सारे एक तो चलो निपट जाएगी तो गाड़ी के साथ ही निपट जाएगा, टेंशन हमारी गाड़ी को तोड़ दस साले। ओ भाई 1 2 3 4 5 6 7 भाई कितने बंदे, भाई यार मजा आ जाएगी यहीं यहीं, जल्दी जल्दी मार। एंड इधर इस साइड बंदे थे, इस साइड वालों को ले दें पहले, क्योंकि इस साइड भी काफ़ी पट रही है यार। दे चलो एंड और नहीं, डेंजर जोन लग गई यार, पीछे भी तो फाइट हो रही, पीछे वालों एक बंदा ही भाग रहा है, भाग का रहे हो चाचा, रुको तो सारे के सारे डूब रहे पड़े पड़े भाई साहब। ये लो 26 किल एंड एक बंदा और, ये भी फिनिश। देन एक आध बंदा और देख लेते हैं यार, एक बंदा उधर भागा हुआ तो था बट फिर भी हम अपनी गाड़ी उठा के जाने वाले हैं एम सी लड़ जो भी है जी, गाड़ी उठा और निकल जाओ यहाँ से। एक एलिमिनेट भाई साहब, यहाँ पे हम वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की बात करें, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाए एक बंदा, ये बंद मिली, ये भी गई, तीन अपने हो चुके हैं 28 किल एंड एक बंदा, ये बंदा गया डायनेमो का कपड़ा पहन के आया हुआ है। अबे साले मेरी गाड़ी उड़ाया, ये तो इतने बुरी तरीके से पिटेगा गया। एंड अब बचे 2 बंदे, लास्ट बंदा भाई साहब यार 29 किल। अब ये बंदा थोड़ा सा मुझे लास्ट वाला जो सही लग रहा है थोड़े मेरे सबसे, क्योंकि सारे के नाब सारे नूबड़े थोड़ी मर चुके हैं, अब इसको निपटाते हैं। ये बंदा अपनी पोजिशन, अरे ये बच्चा रुक जाओ थोड़ा सा, रुको 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 रुको, अरे रुक जाओ रुक जाओ। अबे भाई मैंने पहले ही बोला था भाई कि ऐसे कुछ मैचेस मैंने ऐसे कुछ सीन्स बहुत ज़्यादा ही होते हैं, तो गाइस वीडियो कैसे लगी बता देना। बट इससे पहले बात करते हैं अपन, ये मैच क्लासिक है रैंक मैच, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई क्या है क्लासिक रेंज, ओके गाइस कन्फर्म होगा रैंक मैच है। एंड चलो अपना रैंक प्लस हो चुका है, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।